ये कहानी टायलर नाम के लड़के की है। एक एक्स आर्मी मैन था। टायलर को लोगों को बचाने और मारने के लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और इस काम के बदले उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। वो उन्हीं लोगों को मारता है जो कि बुरे लोग होते हैं। और इस कहानी में किन्ने लड़के को बांग्लादेशी ड्रग माफिया आसिम ने किडनैप किया होता है और उस लड़के को छुड़ाने का कॉन्ट्रैक्ट टायलर को दिया गया है। इस मूवी में आपको इमोशनल ड्रामा और बेहतरीन एक्शन से भरपूर सीन्स देखने मिलेंगे। सो वेलकम टू वर्ल्ड कलर मूवीज एक्सट्रैक्शन। इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में टायलर नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। तभी अचानक टायलर ऊपर से पानी में कूद जाता है और कुछ देर तक पानी के अंदर सांस रोककर अपने पास्ट के बारे में याद करके रोने लगता है। मानो उसकी जिंदगी दुखों से भरी हो। उसे कुछ विजन भी दिखाई देते है। उसके बाद टायलर अपने घर पर आता है। घर के पास एक लड़की उसका इंतजार कर रही होती है। उसका नाम माया है। माया टायलर के घर की हालत देखती है। घर में चारों तरफ सामान बिखरा हुआ होता है और घर में शराब की बोतल पड़ी होती है। माया टायलर को कहती है, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, इंडियन लड़के को छुड़ाना है। वो लड़का माफिया डॉन महाजन का बेटा है। उस लड़के को बांग्लादेशी गैंगस्टर आसिफ ने मुंबई से किडनैप करके ढाका में रखा है और आसिफ का ढाका में बहुत ज्यादा दबदबा है। हमें उस लड़के को कल 6 बजे तक छुड़ाना है। टायलर ये काम करने के लिए मान जाता है। इसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। दरअसल महाजन और आसिफ की आपस में दुश्मनी होती है। ये दोनों ड्रग्स का धंधा साथ में करते थे पर कुछ कारण की वजह से इन दोनों के बीच में दुश्मनी हो जाती है। इसलिए आसिफ ने महाजन के बेटे को किडनैप करके रखा है और उसके बदले महाजन से ढेर सारे पैसे मांगे। महाजन जेल में होता है। उसे मर्डर, ड्रग्स और फिरौती के लिए जेल में डाला है। जेल में महाजन से मिलने साजू नाम का आदमी आता है। महाजन साजू को अपने बेटे को छुड़ाने के लिए कहता है। साजू पहले आर्मी स्पेशल फोर्स में था, अब वो महाजन के लिए काम करता है। महाजन अपने बेटे को छुड़ाने के लिए आसिफ को बिल्कुल पैसे नहीं देगा क्योंकि उसकी इज्जत दांव पर लगी है। अगले दिन टायलर ढाका में आकर अपनी टीम से मिलता है। उसे बताया जाता है, हमें ओवी महाजन को छुड़ाना है। साथ ही उसे ओवी महाजन की फोटो दिखाते हैं और उसकी लोकेशन भी देते हैं जहाँ पर उस लड़के को किडनैप करके रखा है। लड़के को छुड़ाने के बाद उसे नदी के पास बोट में लाना है। उसे ये भी बताया जाता है, यहाँ पर आसिफ के 15 से 20 लोग होंगे। टायलर उस लड़के को छुड़ाने उस जगह जाता है। यहाँ पर टायलर को बैकअप देने के लिए उसका दोस्त बाहर होता है। आसिफ के लोग टायलर के पास आकर उसके मुंह पर कपड़ा रखते है और टायलर को उस जगह लेकर जाते हैं जहाँ पर ओवी महाजन को किडनैप करके रखा है। अब टायलर एक लड़के को कहता है, मुझे ओवी महाजन को दिखाओ। शुरू में वो लोग उस लड़के को दिखाने के लिए मना करते हैं और पहले पैसे मांगते हैं। टायलर उन्हें कहता है, पहले लड़का दिखाओ। इसे उस लड़के को गुस्सा आता है और टायलर के सर पर बंदूक रखकर ट्रिगर दबाता है पर टायलर की आंखों के पलके बिल्कुल भी नहीं झपकती। वो लड़का टायलर को कहता है, साला पूरा पागल है। दरअसल टायलर को पहले से पता होता है बंदूक में गोली नहीं है। टायलर को ओवी महाजन को दिखाते है और वो लड़का टायलर को कहता है, उसके बाप को बोलना पैसे जल्दी भेज दे नहीं तो उसके बेटे को मैं मार दूंगा। दरअसल टायलर यहाँ पे कंफर्म करने आया है जिन लोगों ने उस लड़के को किडनैप करके रखा है वो सच में तो यहाँ पर है या नहीं। अब टायलर के मुंह पे कपड़ा रखकर उसके हाथ बांध देते हैं और उसे लेकर बाहर जा रहे थे तभी गोली एक लड़के के सर के आर पार हो जाती है। टायलर दूसरे लड़के को मार देता है और उस लड़के को छुड़ाने कमरे की तरफ आता है। टायलर दरवाजा जोर से नॉक करता है। ये देखकर उसके यहाँ का लड़का उस दरवाजे को खोलने जाता है तभी दूसरी तरफ से टायलर दरवाजे के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देता है जिससे गोली दरवाजे से आर पार होकर सीधा उस लड़के को लग जाती है। टायलर यहाँ जितने भी लड़के होते हैं उन सब को मारकर ओवी महाजन को छुड़ाता है। अब प्लान के मुताबिक उस लड़के को गाड़ी की डिक्की में डालकर नदी की लोकेशन पर ले आता है। दूसरी तरफ माफिया आसिफ को दिखाते है। एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आकर उसे कहता है, ओवी महाजन को कोई छुड़ा कर ले गया है। आसिफ कहता है, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट सब बंद कर दो। अब टायलर ओवी महाजन को लेकर नदी के पास आता है और उसकी वीडियो बनाकर अपने टीम को भेजता है ताकि महाजन को यकीन हो जाए उसके लड़के को छुड़ाया गया है और जल्द से जल्द इनके अकाउंट में पैसे भेज दे। टायलर ओवी को लेकर बोट की तरफ जाता है जहाँ पर उसके साथी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी इनके बोट पर एक आदमी उन पर हमला कर देता है और उन्हें मार डालता है। कुछ वक्त होने के बाद भी इनके अकाउंट में पैसे नहीं आते। ये लोग लगातार महाजन के आदमी को फोन कर रहे होते पर इनका फोन कोई भी नहीं उठाता। इससे टायलर की टीम का लड़का कहता है, हमें चुतिया बना है। माया टायलर को कहती है, वहां पर कुछ गड़बड़ है, आगे मत बढ़ना। टायलर वहीं रुक जाता है। टायलर की टीम का एक आदमी बोट चेक करने आगे जाता है तभी उसे कोई शूट कर देता है। माया टायलर को कहती है, हमें सैटेलाइट लाइव लोकेशन से दिखाई दे रहा है वहां पर पुलिस की 2 बोट आ रही है और उसे ये भी बताती है जंगल में और भी कोई है, वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। टायलर उस लड़की को लेकर गाड़ी की तरफ जा रहा होता है और अचानक इनके ऊपर कोई शूट कर देता है। वो और कोई नहीं बल्कि साजू होता है। टायलर ओवी को लेकर गाड़ी से चला जाता है। अब टायलर का पीछा बाकी पुलिस भी कर रही होती है। ओवी टायलर को कहता है, साजू मेरे पापा के लिए काम करता है, मुझे उसके साथ जाने दो। टायलर कहता है, मैं तुम्हारे पापा के लिए काम करता हूँ, हो सकता है ये साजू
फिर से तुम्हें उनके डबर के पास लेकर जाए। टायलर की टीम उसे लाइव सैटेलाइट लोकेशन से गाइड करते हैं, पर एक जगह आकर टायलर फंस जाता है। तभी पीछे से एक पुलिस वाली की गाड़ी आकर इनकी गाड़ी से टकराती है। उस गाड़ी में साजो होता है। टायलर ओई को लेकर एक बिल्डिंग में जाता है। बिल्डिंग में पुलिस वाले भी इनका पीछा करते हैं, पर टायलर उन सबको गोली से शूट करता है। यहाँ पर बेहतरीन एक्शन सीन दिखाया गया है, कैसे टायलर ओई को इन पुलिस वाले से बचाता है। आगे टायलर और संजय के बीच में फाइट होती है और फाइट करते वक्त ये दोनों ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। अब ये दोनों काफी जख्मी हुए हैं। साजो चाकू निकालकर टायलर के ऊपर हमला करता है, पर टायलर खुद को बचा लेता है और उसे बहुत मारता है। तभी एक गाड़ी टायलर को हिट करती है, टायलर कई फीट आगे जाकर गिरता है। अब साजो ओई को लेकर वहां से जा रहा होता है। तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले आते हैं, साजो उन पुलिस वाले को शूट करता है। तभी टायलर एक ट्रक से साजो को उड़ा देता है, इससे साजो कई फीट आगे जाके गिरता है। अब टायलर ओई को लेकर ट्रक से जा रहा होता है, इनके पीछे पुलिस लगी है। अब आगे टायलर और ओई गाड़ी से कूद जाते हैं, इससे ट्रक आगे जाकर दूसरे गाड़ी से टकराता है। इस वजह से एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। थोड़ी देर के बाद आसिफ उस हादसे वाली जगह आता है, जहाँ पर उसे बताते हैं वो लड़का और उसके साथ जो आदमी है वो अभी भी जिंदा है और ये दोनों यहाँ से भाग गए। अब टायलर ओई को लेकर गोदाम में आकर माया को फोन करता है। माया कहती है साजो राव एक स्पेशल फोर्स में था, वो अब महाजन के लिए काम करता है, ये सब उसी का प्लान था। वो तुम्हें मारकर ओई को घर ले जाने वाला था, दूसरी बार पैसे आए नहीं। महाजन ने हमसे काम करवाया लेकिन अब वो पैसे देना नहीं चाहता क्योंकि उसके सारे अकाउंट पैसे पुलिस ने जब्त किए, हमें छुतिया बनाया। माया कहती हमारी पूरी टीम मर चुकी है, अब तुम ढाका में फेमस हो चुके हो, पूरे शहर में नाकाबंदी लगी है। सुल्तान कमाल ब्रिज के ईस्ट में निकलने का एक रास्ता है जो कि ठीक शहर से बाहर जाता है, हम एक हेलीकॉप्टर भेजकर तुम्हें वहां से निकालेंगे। तुम्हारे यहाँ से सुल्तान कमाल ब्रिज 4 किलोमीटर दूर है। माया कहती है तुम्हें उस लड़की को वही छोड़ देना होगा। टायलर कहता है ये डील नहीं हुई थी, मुझे मेरे पैसे चाहिए। दूसरी तरफ साजू को दिखाते है, वो अपनी पत्नी को फोन करके कहता है अगर 12 घंटे के अंदर मेरा फोन नहीं आया तो तुम सारे पैसे लेकर वहां से सेफ जगह चली जाना। आगे टायलर ओई को लेकर सुल्ताना ब्रिज के पास जा रहा होता है। तभी टायलर के ऊपर कुछ लोकल बच्चे हमला करते हैं, उनमें से एक लड़का टायलर के ऊपर गोली चलाने लगता है। टायलर खुद को बचाने के लिए एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है। तभी उनमें से एक लड़का टायलर के ऊपर चाकू से हमला करता है, पर टायलर खुद को बचा लेता है और इन बच्चों को मारकर जख्मी कर देता है। दरअसल ये सभी बच्चे आसिफ के लिए काम करते हैं। तभी वहां पर पुलिस का हेलीकॉप्टर आता है। टायलर ओई को लेकर एक बदबूदार गटार के अंदर छुप जाता है। टायलर माइक को कॉल करके कहता है हम एक बदबूदार गटार में है, तुम गैस्पर को कॉल करो और हमें यहाँ से ले जाने के लिए कहो। टायलर ने एक बार गैस्पर को बचाया था। थोड़ी देर के बाद गैस्पर वहां पर आता है और इन दोनों को अपने घर ले जाता है और कहता है पूरे शहर में आसिफ के लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, इसलिए कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रहकर आराम कर ले। ये बोलकर गैस्पर वहां से चलाता है। अब टायलर ओई के पास आकर उसे बात करने लगता है। ओई टायलर को कहता है तुम बहादुर लोगों को बचाते हो। टायलर कहता है मैं लोगों को बचाने के साथ साथ लोगों को मारने का काम भी लेता हूँ। ये सुनकर ओई कहता है मेरे पापा भी यही काम करते हैं, जब भी मैं उनके साथ होता हूँ उन्हें देख के सोचता हूँ वो अभी भी किसी और के डैड को मार गया है, इससे मुझे बहुत बुरा लगता है। आगे ओई टायलर के फैमिली के बारे में पूछता है। टायलर कहता है मेरी वाइफ थी और अब हम साथ नहीं रहते, मेरा एक बेटा था कुछ साल पहले गुजर गया। बात करते करते टायलर बहुत इमोशनल हो जाता है। वो कहता है मेरा बेटा 6 साल का था, उसे कैंसर हुआ था, मैं उसके पास था भी नहीं जब वो चला गया। वही पूछता है तुम कहाँ थे? टायलर कहता है मैं अफगानिस्तान में एक मिशन पे था। वही पूछता है क्या तुम्हें बुलाया गया था? टायलर कहता है मैं खुद ही चला गया था अपनी मर्जी से क्योंकि मैं उसे मरते हुए देख नहीं पाता, मैं कोई बहादुर नहीं बल्कि कायर हूँ। वही कहता है तुम कभी भी नदी में गिरने से नहीं डूबते हो बल्कि पानी में रहने से डूबते हो। टायलर कहता है ये तुम्हें किसने कहा? वही कहता है स्कूल के बुक में पढ़ा था। दरअसल वही कहना चाहता था हमारी लाइफ में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए हमें रुकना नहीं चाहिए बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए, हम एक जगह रुके तो शायद हम उस सिचुएशन से कभी बाहर ना पाए। कुछ देर के बाद गैस्पर वहाँ पे फिर से आता है और टायलर को कहता है आसिफ उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ेगा, तू उस लड़के को घर पहुंचाएगा और फिर क्या होगा, उसका बाप तो जेल में है, कोई तरीका नहीं उस लड़के को बचाने का, उस लड़के की कीमत 30 करोड़ है, क्यों ना हम उस लड़के को मार देते है, इससे लड़के को मारने के हमें पैसे मिलेंगे, मैं तुम्हें बॉर्डर के उस पार भी पहुंचा दूंगा। आसिफ के साथ मेरी डील हुई है, वो मेरा दोस्त है, उसे पता चलेगा मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो मुझे और मेरे वाइफ को मार देगा। जब गैस्पर ओई को मारने जा रहा होता है तभी टायलर उसे पंच मार देता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तभी ओई गैस्पर के ऊपर गोली चलाता है, गैस्पर की ओई मौत हो जाती है। इससे ओई को बहुत बुरा लगता है क्योंकि एक बच्चा है और आज उसने एक आदमी को मार दिया है। ओई टायलर को कहता है मुझे घर पर जाना है। टायलर उसे वादा करता है और कहता है हम घर साथ ही जाएंगे। आगे टायलर साजू को कॉल करके उसे मिलता है और टायलर कहता है
ओई को यहाँ से लेके जाना, इसके बदले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। साजू कहता है महाजन मेरी फैमिली को मार देगा अगर मैंने उसके बेटे को घर वापस नहीं लेगा तो। टैलर कहता है मेरी टीम सुल्तान ब्रिज की दूसरी तरफ इंतजार करिए, यहाँ से वहां तक दो नाकाबंदी है, मैं किसी तरह पुलिस वालों का ध्यान वहां से हटा दूंगा, तुम्हें ओई को ब्रिज के पास लेकर जाना है। अबे दोनों साथ मिलकर काम करते है। साजू ओई को लेकर गाड़ी से सुल्तान कमर ब्रिज की ओर चलाता है, रास्ते में उसे दो नाकाबंदी से गुजरना होगा। टैलर एक बिल्डिंग के अंदर जाकर उन पुलिस वाले का ध्यान भटकाने के लिए उन पर फायर कर देता है। अभी सभी पुलिस वाले टायलर को माने उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। साजू गाड़ी लेकर पहली नाकाबंदी क्रॉस करता है, तभी एक मिसाइल टायलर की ओर आता है, इससे टायलर मरते मरते बच जाता है। टायलर एक एक कर सबको शूट कर देता है। दूसरी तरफ साजू और रोवी सुल्तान कमर ब्रिज के पास पैदल जाने का फैसला करते है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक होता है, आसिफ भी सब कुछ दूर से देख रहा होता है। उसे धमाके की आवाज सुनाई देती है। दरअसल गैस्पर ने आसिफ को बताया था टायलर उस लड़के को लेकर सुल्तान कमर ब्रिज से बाहर जाएगा, इसलिए आसिफ ने पहले से पूरे इलाके में नाकाबंदी लगाई थी। दूसरी तरफ माया अपनी टीम को लेकर सुल्तान कमर ब्रिज के पास आती है। अब साजू और रोवी दूसरी नाकाबंदी होकर ब्रिज से जा रहे होते हैं, तभी एक आर्मी वाला उन दोनों को रोक लेता है और ओई को पहचान लेता है। तभी साजू उस पर गोली चलाकर उसे मार देता है। अब साजू ओई को बस के अंदर चले जाने के लिए कहता है। गोली की आवाज सुनकर वहां पर और भी पुलिस वाले आते हैं और साजू के ऊपर फायर करने लगते हैं। साजू एक एक पुलिस वाले को सबको शूट कर देता है। तभी यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और साजू के ऊपर लगातार फायर करने लगते हैं, इस वजह से वो गाड़ी के पीछे छुप जाता है। अब हेलीकॉप्टर में जितने भी पुलिस वाले होते हैं वो सभी पुलिस वाले हेलीकॉप्टर से ब्रिज के ऊपर उतरते हैं। साजू टायलर को फोन करके कहता है मुझे तुम्हारी यहाँ पर जरूरत है। टायलर उसे कहता है कि मैं जल्दी वहां पर आ रहा हूँ। दूसरी तरफ माया उस हेलीकॉप्टर के ऊपर मिसाइल से फायर करती है, जिससे वो हेलीकॉप्टर पानी में गिर जाता है। साजू जब पुलिस वाले को मारा होता है तब अचानक उसके सर पर गोली लगने से उसकी वही मौत हो जाती है। दरअसल ये गोली कई दूर बैठे एक स्नाइपर ने चलाई होती है। माया सब देख रही होती है और नीचे लटके स्नाइपर को ढूंढ रही होती है। वही बस से आकर आगे की ओर बढ़ रहा होता है और एक गाड़ी के नीचे छुप जाता है। टायलर भी वहां पर आता है और यहाँ पर दो तीन पुलिस वालों को शूट कर देता है और आगे बढ़ता है। तभी दूर बैठा स्नाइपर उसकी पीठ पर गोली चलाता है, जिससे कि वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। जब वो स्नाइपर टायलर के ऊपर दोबारा शूट करने वाला होता है तभी माया उस स्नाइपर को ढूंढ लेती है और उसके सर पर गोली चलाती है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। अब टायलर पूरी तरह जख्मी हुआ है और उसके पास भागकर आता है। टायलर उसे कहता है तुम मेरे टीम के पास चले जाना, तुम वहां पर सेफ हो। वो भी टायलर की बात मानकर माया के पास आता है। पुलिस वाले लगातार इनके ऊपर फायर करने लगते हैं। टायलर जख्मी हालत में उठकर उन सबको शूट कर देता है। जब वो अपनी टीम के पास जा रहा होता है तभी पीछे से उसके गर्दन पर कोई शूट कर देता है और वही लड़का होता है जिससे टायलर की उन बच्चों से फाइट हुई थी। माया उस लड़के के ऊपर गोली चलाती है पर वो लड़का वहां से भाग जाता है। अब टायलर पूरी तरह जख्मी हुआ है, वो अपनी टीम की ओर देखता है और इशारों में कहता है तुम यहाँ से चले जाना, और नदी में गिरने से पहले वो अपने मरे हुए बेटे को याद करता है। उसके बाद टायलर नदी में गिर जाता है। टायलर को ओई की बात याद आती है। ओई ने टायलर को कहा था नदी में गिरने से तुम डूबते नहीं हो बल्कि रुकने से डूबते हो, और टायलर नदी के अंदर गहराई में चला जाता है। माया ओई को लेकर हेलीकॉप्टर से चली जाती है। आसिफ ये सब कुछ देख रहा होता है पर वो भी आप कुछ नहीं कर सकता। आगे कहानी को 8 महीने के बाद दिखाते है। माँ आसिफ को होटल के वॉशरूम में मार देती है। दूसरी तरफ ओई को दिखाते है वो अब सुरक्षित है। ओई को जिस चीज से डर लगता है उस डर का सामना करता है और ऊंचाई से स्विमिंग पूल में जंप करता है। पानी के अंदर सांस रोककर कुछ देर तक पानी के अंदर रहता है, जैसे टायलर ने मूवी की शुरुआत में किया था। जब वो पानी से बाहर आता है उसके सामने उसे धुंधली आंखों से एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी ओई की तरफ ही देख रहा होता है और कोई नहीं बल्कि टायलर होता है। और ये कहानी यही खत्म होती है। ये 2020 में आई नेटफ्लिक्स अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। IMDb पर इसे 10 में से 6.8 की रेटिंग मिली है। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो ये था एक्सट्रैक्शन मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएगा, और आने वाले नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक्स और कॉमेंट जरूर करेगा, इससे मुझे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर लौटूंगा एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।